Hey kids, good morning. How are you all? I hope you all are would be fine. Today, I am going to deliver you the 7th chapter of your behalf book, Packing. From the name, you can recognize that what is the chapter about? Packing. Packing हम कब करते हैं? जब हम कहीं बाहर जाते हैं. हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, नानू के यहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम हमारा सामान, हमारा लगेज जो है, हम पैक करते हैं. Okay, so let's start the chapter. Before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? क्या आप कभी ट्रिप पर जाते हैं? क्या किस तरह की ट्रिप का बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं? How do you feel about having to pack for a trip? क्या फील करते हैं जब आप पैकिंग करते हैं तब? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things? जब आप पैकिंग करते हैं और जब वहाँ पर जाकर के आप अपनी पैकिंग को अनपैक करते हैं, तो क्या आपने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम भूल गए हैं? दैट वी मेरी मच नीड, जिसके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और दैट यू कॉन्ट फाइंड दैम इजीली, और आपको इजीली वो चीज़ मिलती भी नहीं है. डज दिस मेक यू एंग्री? क्या ये आपको गुस्सा दिलाता है? और डज इट मेक यू लॉफ एट योर सेल्फ? या आपको खुद के ऊपर हंसी आने लगती है? नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो चलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है हम इसे पढ़ते हैं. इससे आपको पता पड़ेगा कि ऑथर जो है इस चैप्टर में आपको क्या कहना चाहता है. फर्स्ट पार्ट, आई सेड आई हैड पैक्ड. मैंने कहा कि मैंने पैक कर लिया है. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मैं अपनी पैकिंग पर खुद पर बहुत गर्व करता था. मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दिस मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे फील होता था कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ. दैट मीन्स मैं सबसे अच्छा पैकिंग करता हूँ. इट्स सरप्राइज टू माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. बहुत सी बार ये चीज़ मुझे सरप्राइज भी करती थी कि ऐसा क्यों है. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट हैड बेटर लिव द होल मैटर इंटायर टू. क्या करता है वो, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं जॉर्ज एंड हैरी, उनसे कहता है कि ये वाला जो मैटर है तो मुझ पर छोड़ दो, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, सबसे अच्छी पैकिंग मैं ही कर सकता हूँ. दे फेल इन टू द सजेशन विद रिडलीनेस एंड दिस समथिंग अनकैनी अबाउट इट. क्या कहता है वो ऐसा फील करता है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था, वैसे उम्मीद कर रहा था कि वो दोनों जो है कहेंगे कि नहीं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. क्या करते हैं उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, खुद एक आराम से एक चेयर पर बैठते हैं और खुद को ऐसे चिराने लगते हैं, रोलिंग चेयर से मतलब हिलाने लगते हैं. एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड इट द सिगार लाइटर सिगार. क्या करता है और जो उसका एक और जो फ्रेंड होता है हैरी, वो क्या करता है, वो आराम से टेबल पर बैठता है, अपने पैर लंबे करता है और सिगार जलाकर सिगार पीने लगता है. सेकेंड पार्ट, दिस वे हार्डली वॉट आई इंटेंटेड. ऐसा लगता है उसे, क्या ये क्या हो रहा है, मैं तो पैक कर रहा हूँ, ये दोनों आराम से जो है इंजॉय करें. वॉट आई हेड मेड, मेरा क्या मतलब है. ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो है पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं बॉस हूँ. एंड देन हैरी एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और जॉर्ज हैरी जो है वो मेरी डायरेक्शन के अंदर अब वर्क करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड वेरी नाउ एंड देन विद ओ यू. और मैं क्या करा, मैंने अपने आप को उस काम में पूरा डाल दिया और मैं उस काम को करने लगा. हियर लेट मी डू इट. क्या कहता हूँ मैं कि चलो मुझे काम करने दो. देयर यू आर सिंपल इनफ, तुम यहाँ पर हो, सिर्फ बैठे रहो, इतना ही काफ़ी है. रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से. अब मैं उन्हें सिखाने लगा कि देखो पैकिंग ऐसे करते हैं, पैकिंग ऐसे करते हैं. दे आर टेकिंग इट इन द वे देट डिट इरीटेटेड मी. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों मुझे जो है इरीटेट कर रहे हैं. देर इज़ नथिंग दस इरीटेटेड मी मोर देन सींग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग वेट आई एम वर्किंग. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो इरीटेट करती थी वो चीज़ ये थी कि मैं काम कर रहा हूँ, कोई और मेरे पास में बैठा है और मुझे काम करते हुए देख रहा है. इससे ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ इरीटेट करती नहीं थी. थर्ड पार्ट, आई लिव विद अ मेन वन सो यूज टू मेक मी मैड दैट वे. मतलब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हूँ जिससे जो मुझे पागल बना रहा है, उसे फील हो रहा है कि मैं पागल हूँ. ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द हॉर टुगेदर. वो दोनों सोफे पर बैठे हुए मुझे घंटों काम करते हुए देख रहे थे. ही सेड इट मी रियल गुड लुक ऑन टू मी. और इट में उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस तरह से देखे. मैसिंग अबाउट की हर चीज़ जो है बिखरी हुई है, कैसे है वो मैं उसे समेटूंगा. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनादर मैन स्लैविंग एंड वर्किंग. लेकिन
मैं ऐसे किसी को काम करते हुए ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहा है और मैं उसे बैठ कर आराम से देख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं खड़ा होता हूँ और मैं उसके साथ काम में लग जाता हूँ। एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और मतलब ऐसे कि वॉक नहीं करता हूँ कि अपनी जेब में हाथ डाली और घूम रहा हूँ। एंड टेल हिम वॉट टू डू, मैं पूछता हूँ कि बताओ क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा उत्साही नेचर है। आई कॉन्ट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता किसी भी, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। फोर्थ पार्ट, हाउ आई डिड नॉट से एनीथिंग, इस तरह से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, बस मैं क्या कर रहा था, मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब, ये लंबा समय निकला। देन आई टॉट मी वॉज गोइंग टू बी, तब मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन एंड में जो है मैंने अपना काम खत्म कर लिया। एंड आई सेट ऑन एंड स्ट्रेप्ड इट, और मैं बैठा और अपने आप को ऐसे खींचने लगा, मतलब मैं थक गया था, अपनी थकान उतारने लगा। आज यू गोइंग टू पुट द बुक्स इन, अब मुझे लगा कि ठीक है अब मैं आराम से बैठ रहा हूँ, मेरे सारे काम जो ख़त्म हो चुके हैं। सेड हैरी, मतलब हैरी ने मुझे कहा कि तुमने मेरे बुक्स अंदर रख लिए। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं आस पास देखने लगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूँ कि मैंने उसके शूज़ ना रखे हूँ। दैट जस्ट लाइक हैरीज ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड, ये समय सिर्फ हैरी मुझे देख रहा था, वो एक शब्द भी नहीं बोला। आंटी आई हैड गॉट द बैग शर्ट एंड स्टेप, जैसे ही मैंने बैग बंद किया और अपना काम खत्म हुआ तो भी उसने वो बात कही। ऑफकोर्स एंड जॉर्ज लॉफ्ट, और जॉर्ज जो है हंसने लगा। वन ऑफ दोस इरिटेटिंग, मुझे वो लोग इरिटेट कर रहे थे। सेंस ए लॉफ ऑफ, क्योंकि बिना बात है हंसने की, इसमें हंसने की क्या बात है। देन डू मेक मी सो वाइल्ड, वो मुझे जंगली बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बुट्स इन, अब मैंने बैग को फिर से खोला और बुट्स को अंदर रखा। एंड देन जस्ट एज आई एम गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं बैग को फिर से बंद करने लगा, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, मुझे किसी बात ने बहुत ज़्यादा डरा दिया। किस बात ने, हैड आई पैक माई टूथब्रश, मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपना टूथब्रश जो है उसे पैक किया है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरा टूथब्रश ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा डरा देता है जब भी मैं किसी ट्रैवलिंग पर जाता हूँ तो। एंड मेक माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी लाइफ को पूरा जो है अमेजी कर देता है, इधर उधर कर देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवन पैक्ड इट, मुझे सपना है कि मैंने उसे पैक ही नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और मैं फटाफट से उठा एंड गेट आउट ऑफ बैड एंड हंट फॉर इट, और बैड पे से उठा और मैं उसे जो है फिर से पैक करने की, मतलब मैं उसे ढूंढने लगा अपने बैग के अंदर। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैंने सुबह जब इसे यूज़ किया था मैंने तभी उसे रख लिया था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, लेकिन मैं फिर से उसे खोलने लगा कि मैंने उसे पैक किया है कि नहीं। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और यही एक आखिरी चीज़ होती है हमेशा जो मैं अपने बैग में रखता हूँ, शायद हम लोगों के साथ भी यही होता है। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, फिर से मैंने उसे रिपैक किया और मैं भूल गया। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन, मैं जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पर चढ़ा, मैंने देखा, फिर से एक मोमेंट लिया कि हाँ मैंने उसे रखा है कि नहीं। एंड रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और फटाफट से जो है मैंने क्या किया, मैंने अपना जो हैंडकरचीफ था, मेरा जो हैंगी था, उसमें मैंने अपने टूथब्रश को रैप किया और मैं भागा स्टेशन के साइड कि कहीं मेरा ट्रेन जो है उसके साथ हो चुका है। सिक्स, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडर्न थिंग आफ्टर नाउ, अब मुझे लगा था कि अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं पैक कर चुका हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट नॉट फाइंड इट, लेकिन मुझे मेरा जो पहले रखा हुआ ब्रश था वो नहीं मिला। आई रग में द थिंग्स अप टू इन टू मच मॉर द रग, मतलब स्ट्रेट करना, हरिट करना, कैलेस हो जाना किसी के लिए। आई क्रन दैट थिंग्स अप इन टू मच द सेफ स्टेट दैट दे, यानी हम लोग जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसे अक्सर भूल जाते हैं। Then must have been before the world was created, ये जो पूरी दुनिया पहले जो बनाई गई थी। And when कॉज रुगैन, जब लोग जो है गाना वगैरह गाते थे। Of course I found George and Harris 18 times over, लगभग 18 बार अभी ऐसा हो चुका था कि मैं उस बैग को अनपैक कर चुका था। But I couldn't find my own, लेकिन अभी तक मुझे मेरा ब्रश नहीं मिला था। I put the things back one by one, मैं एक के बाद एक सारी चीज़ों को ढूंढा लेकिन मुझे मेरा ब्रश नहीं मिला। And felt everything up and sugar, हर एक चीज़ को निकाला, उसे झटक के देखा लेकिन ब्रश नहीं मिला। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बुट, और लास्ट में मुझे वो कहाँ मिला, मेरे उसका जो बूट था हैरी को, उस बूट के अंदर मुझे वो ब्रश मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने फिर से उसे रिपैक किया पूरे बैग को। सेवन्थ, व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जैसे ही मैंने खत्म किया, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोफा, से क्या पूछता है वो, मैं सोप रख लिया। आई सेड आई डिडेंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इट ऑन वेदर इट वॉजेंट, गाइस देखिए मुझे कोई केयर नहीं है कि सोप मैंने रखा है या नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एंड आई शैम्ड द बैग शर्ट एंड स्टेप्ड इन, मैंने बैग को बंद किया, उसकी जिप जो है लगा दी। फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई
तंबाकू पाउच टोबैको पाउच इन इट, और मैंने फिर से देखा कि मैंने जो टोबैको पाउच है मैंने उसके अंदर रखा है कि नहीं, एंड हैड टू री ओपन इट, और मैंने फिर से उसे ओपन किया। आई गोट शट अप फाइनली 10:05 PM और मैंने फाइनली जो है अपना बैग 10:05 पर उसे बंद किया, एंड देन दे रिमाइंड द हैम्पर टू इट, और फिर उसको जो है कैरी किया और किस तरह से फूड आइटम्स जो है अब बस रह गए। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस एंड 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू रेस्ट। क्या कहते हैं कि जो तुम जो है कब से काम कर रहे हो तो अब तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए, अब जो है हम इसका खाने का सामान जो है पैक करेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, में उनकी बात को मान गया कि चलो ठीक है, मैं कब से पैकिंग कर रहा था, अब ये दोनों जो है बैक मुझे देख रहे थे, तो अब तुम दोनों जो है खाने का सामान पैक करो। एंड दे हैड अ गो, और वो उस काम में लग गए। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने सामान पैक कर लिया, इविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और हालांकि मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे करते हैं। आई मेट नो कमेंट, लेकिन मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ देख रहा था कि वो दोनों क्या करें। विद द एग्जेम्पशन ऑफ द जॉर्ज, हैरी इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। मुझे जब उनको देख रहा था, अगर मैं जॉर्ज को छोड़ दूँ तो हैरी जो पूरी दुनिया का सबसे बेकार पैकिंग करने वाला मुझे बंदा दिख रहा था। एंड आई लुक एट द प्लाइस टू प्लेट्स एंड कप्स, कि मैं देख रहा था कि कितने वो प्लेट्स कप्स उसके अंदर रख रहे हैं, कैटल्स रख रहे हैं, बोटल्स जार पाइस स्टोव्स केक टोमेटोज, इतनी सारी चीज़ें जो है उन्होंने रखा ले ली थी। एंड फेल दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एग्जाइटिंग, ऐसा लगा था कि पूरी जो दुनिया है नष्ट होने वाली है, सिर्फ हम जो पैकिंग करके लेके जा रहे हैं उतना ही खाना हमारे पास बचने वाला है। इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में कप को फोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट डिड, और ये पहला ही काम था जो कर रहे थे। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू, मतलब इससे वो मुझे दिखाना चाहते कि वो कैसे कर रहे हैं, एंड टू गेट यूर इंटरेस्टेड, और मुझे उनका इंटरेस्ट मुझे दिख रहा था। देन हैरी स्पेक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट, उसने क्या कहा, स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार था वो टोमेटोज के ऊपर रख दिया, पूरे टोमेटो जो है क्या हो गए, स्क्वैश हो गए, यानी पूरे पीस आ गए उसके वेट से। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और वो क्या कर रहे थे, वो टोमेटो की जो प्यूरी बन चुकी थी उन्होंने उसके ऊपर रखने के कहा ना, वो टोमेटो की प्यूरी चम्मच से निकाल रहे थे बैग में से। And then it was George's turn. अब George का turn था, आप देखते हैं वो क्या करता है। And he trod on the butter. उसने अपना पैर ही जो है वो किसके ऊपर रख लिया, बटर के ऊपर रख दिया। I didn't say anything, मैंने कुछ भी नहीं किया। But he came over and sat on the edge of the table and watched him. मैं टेबल के कॉर्नर पर बैठा और मैं उन्हें देखने लगा, जैसा आप देख सकते हैं कि वो देखिए टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ है और वो उनको देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। It irritated them more than anything. ये सबसे ज़्यादा इरीटेट कर रहा था। I could have said, मैंने कुछ नहीं कहा। I felt that, मुझे ऐसा फील हो रहा था। It made them nervous and excited, कि वो दोनों नर्वस भी हैं और पैकिंग करने के लिए एक्साइटेड भी हैं। And they stepped on things, और चीज़ों पर ही पैर रखने लगे। And put things behind them, और चीज़ों को जो है अपने सामने अब रखने लगे थे। And then couldn't find them when they wanted them, क्योंकि अब उन्होंने इतना ज़्यादा मैसी कर लिया था सारा सामान कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम, उन्होंने सबसे पहले जो है पाइस को रखा बॉटम में बैग के, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी सामान को जो है ऊपर रखा, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हैवी सामान को पैकिंग में नीचे रखना चाहिए, और जो ऐसी चीज़ें जो ब्रेक हो सकती हैं या नाजुक है उन्हें हम ऊपर रखते हैं। एंड स्मैश द पाइस, है फिर क्या किया उन्होंने, सारी जो पाइस है वो क्या हो गई, स्मैश हो गई, खराब हो गई। दे अपसेस सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अब उन्होंने जो सॉल्ट था वो हर जगह बिखेर दिया। एट एस फॉर द बटर, याद है कि बटर भी जो है उसके ऊपर भी। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर एंड वन एंड टू पैंस वर्थ द बटर इन माई होल लाइफ, मैंने अभी तक नहीं देखा था कि दो लोग जो है वो इस तरह की हालत जो है बटर की भी कर सकते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ इन स्लीपर स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, अब क्या हो रहा था कि जो जॉर्ज था वो उसको ट्राई कर रहा था कि जो उसके स्लीपर्स में जो बटर लग गया था वो उसको हटाए। दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, कि अब मैं जो है कुछ और बटर जो है कैटल के अंदर डाल दूँ, इट वुडंट गो इन, लेकिन वो नहीं कर पाया। एंड वॉट वॉज द वुडंट कम आउट, लेकिन क्या हुआ, दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, वो सभी जो है बेकार हो गया, उन्हें फेंकना पड़ा। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उसे एक चेयर पर उन्होंने रख दिया बटर को जो बचा हुआ बचा था। एंड हैरी सेट ऑन इट, और हैरी उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन हिम, वो उसके ऊपर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो उसके ऊपर बैठ गया और उसके बाद में जो है वो पूरे रूम में जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ गया। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, मैंने अपने आप को मैंने शपथ ली थी, मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इसे मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। जॉर्ज इज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट,
स्टेरिंग, वो उस जो खाली सीट थी उसको घूर रहा था कि यार एक्चुअली चीज़ें हैं कहाँ। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मेड अगो। शहरी क्या कहता है कि मैंने खुद उसको रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं उस खाली चेयर पर मैंने खुद रखा था उसको, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। देन दी स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। वो पूरे घर में घूम घूम कर उसे ढूंढने लगे। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर ऑफ द स्टेड एट वन अनदर। फिर वो रूम के सेंटर में मिले और दोनों को, क्योंकि मिलेगा ही नहीं बेटा, कैसे मिलेगा, क्योंकि वो बैठा तो उसके ऊपर खुद ही चुपका हुआ था। देन दे स्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो पूरे घर में घूम के घूमने लगे और खुद एक दूसरे के सामने आ गए। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सेट जॉर्ज को कहते हैं, ऐसी असामान्य बात जो है मैंने पहली बार देखी कि हाथ से रखी हुई चीज़ नहीं मिल रही है। माय सो मिस्टेरियस, हैरी कहते हैं कि सच में ये तो बड़ी आश्चर्यचकित करने देने वाली बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक द हैरीज एंड सॉ इट। जॉर्ज जो है हैरी को पूरा घुमाता है और उसको देख लेता है। व्हाई हियर इट इज ऑल द टाइम, वो कहते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। हैरी चिल्लाता है कहाँ पर, स्पिंग इन और आसपास घूमता है। स्टैंड स्टिल कांट यू, कहते हैं कि तुम खड़े नहीं रह सकते हो। जॉर्ज कहता है तुम खड़े ही नहीं रह सकते, फ्लाइंग आफ्टर मेरे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ है। एंड दे गॉट इट ऑफ और उसको वो मिल जाता है एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। फिर टीपॉट के अंदर वो जो है उसको रख लेते हैं। मैनेज ट्रॉली वॉज इन इट ऑल। मैनेज मॉरिसी जो एक नेम होता है वो ऑफकोर्स जो है उसके लिए भी परेशान हो रहे थे। एंड वे स्वॉर्न इट और फिर उसके बाद में फाइनली इट हैज कैन स्क्रीम एवरी वेन द पर्टिकुलर इज नॉट वांटेड। क्योंकि हर एक चीज़ उन्होंने इतनी मैसी कर दी थी कि उनको पर्टिकुलरली कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी जो उन्हें चाहिए थी। एंड वी अ परफेक्ट नॉनसेंस, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण चीज़ें वो कर रहे थे। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को भी पागल कर रहे थे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट इट हेड, लोग मतलब क्या हो रहा था कि चीज़ें उनके सर पर ही गिर रही थी, क्योंकि उन्होंने हर जो चीज़ें वो इतनी ज़्यादा बेकार तरीके से पैक की थी। देन ही फील्स एवरी डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, उनको लगा था कि उन्होंने पूरा टाइम जो इसे बर्बाद किया है। टू गेट समबडी टू स्टलम ओवर हिम, मतलब कुछ जो चीज़ थी उन्हें चाहिए थी इस, मतलब कुछ चीज़ें जो इनकी गिर रही थी किसी के ऊपर। एंड कर्स हिम स्टडी फॉर एन ऑन, और लगभग उनको जो एक चीज़ चाहिए थी उसके लिए वो घंटों तक उसे ढूंढते रहे। एंड द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, कि उनका सबसे ज़्यादा जो एम और ऑब्जेक्ट जो था वो यही था। एंड वैन ही वॉज सक्सेस इन एकम्प्लिशन, और फाइनली जब वो इस चीज़ के लिए सक्सेस हो गए, ही कंसल्ट बिकम क्वाइट अनब्रेकेबल कि हाँ चलिए ठीक है, अब सारी चीज़ें जो है ढूंढ चुकी हैं आप देख सकते हैं जैसा कि पिक्चर में, लेकिन उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा था। ही केम एंड सट डाउन ऑन द थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर ही बैठ रहे थे। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जो उन्हें पैक करना था वो सब रह गया था। एंड लेबर अंडर द फिक्स बिलीव दैट, और उसके ऊपर उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत लग चुकी थी। वैन एवर हैरिस और जॉर्ज रीड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जो भी चीज़ें उनके हाथ में आ रही थी, इट वॉज बी दिस कोल्ड डैम्प नोज दैट एवरी वॉन्टेड, उनकी जो नाक है उतनी भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है बेकार हो चुकी थी, कुछ भी उन्हें मिल नहीं रहा था और परेशान हो चुके थे वो। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उनका जो पैर है वो जैम पर लग जाता है। एंड ही वरीड द टी स्पून, कहीं वो टी स्पून के लिए परेड होने, क्योंकि उन्हें चम्मच नहीं मिल रहा है। एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रैट्स, उनको ऐसा लग रहा था कि जिसे जब वो हाथ डालकर देख रहे थे उनको जो नींबू है वो चूहों के जैसे लग रहे थे। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, और वो क्या कर रहे थे उसके ऊपर मार रहे थे कि अरे तो चूहा है, और उसके ऊपर हैम्पर यानी जो उसके हाथ में छड़ी होती है उसे मार रहे थे कि हाँ चलो इसको तो मारना पड़ेगा, ये तो हमारी चीज़ों को ज़्यादा बर्बाद कर देगा। थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस वुड लैंड इन विद द फ्राइंग पैन, और फाइनली वो जो चीज़ें गिर रही थी उसे जब डॉगीज खा रहे थे तो उसको लैंड पर जब चीज़ें गिर गई तो फ्राइंग पैन के थ्रू उसको मार रहा था कि ये मेरी चीज़ों को छोड़ दे। हैरी सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरी कहता है कि मैं इसको इंकरेज कर रहा हूँ। आई डिडेंट इंकरेज हिम, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं हंस रहा हूँ तो मैं इंकरेज कर रहा हूँ, तो कहता है कि नहीं मैं उन्हें इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इंकरेजमेंट, इस तरह का जो डॉगी है ना वो किसी चीज़ का इंकरेजमेंट उसे नहीं चाहिए होता है, वो खुद ही सब कर लेता है। इट इज़ नेचुरल, स्वाभाविक है। ओरिजिनली सीन दैट इज बॉर्न इन टू द मैक इन टू द थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि डॉगीज जो है उनका तो जन्म ही इन चीज़ों के लिए होता है कि वो इस तरह की हरकतें करें। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, मतलब सुबह हो चुकी थी लगभग, उन्हें रात के 1 बज चुके थे उन्हें पैकिंग करते करते। एंड हैरी सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरी के हाथ में एक बड़ा सा हैम्पर था। एंड सेट द होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चलिए अब कोई सामान ना टूटे। जॉर्ज सेट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कहते कि जो चीज़ें टूटी हैं उन्हें टूटे रहने दो। जॉर्ज सेट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, मतलब जो चीज़ें टूट रही हैं उन्हें टूटने दो। विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्टिंग, कि जो रिफ्लेक्शन है लास्ट का कि हम कंफर्ट ली रहे, बस यही उसका वो था क्योंकि थक चुका था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, होता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम तो ऑलरेडी रेडी था मैं तो बेड के लिए। हैरी वॉज टू स्लिप विथ हिज द नेट डेट नाइट एंड वी वन अप स्टेयर्स, और स्लिप हैरी जो था वहीं रात में वहीं सोया और हम जो है ऊपर सोए। वी टॉस फॉर बेड, हमने बेड के लिए टॉस किया कि कौन कहाँ पर सोएगा। एंड हैरी सेड टू
स्लीप विथ मी, और हैरी को मेरे साथ सोना था. वो कहता है डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, कि तुम इनसाइड सोओगे बेड के या आउटसाइड सोओगे, यानी वॉल साइड सोट पे सोओगे या बाहर की साइड सोओगे. आई सेड आई जनरली प्रीफर अ स्लीप इनसाइड अ बेड, कहते हैं कि मैं बेड के अंदर वाली साइड पर सोना प्रीफर करता हूँ. हैरी सेड इट वॉज ओड, हैरी कहते हैं कि तो बहुत ही गलत बात है. देन जॉर्ज कहता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, क्यों कहते हैं कि क्यों तुमने ही तो मुझे चॉइस मांगी है, तुम उठते कितने बजे हो, चलो ये बताओ. हैरी कहता है 7. आई सेड नो 6, मैंने कहा कि नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने तो हमें 6 बजे जो है उठना चाहिए. हैरी सेड आई एट बीट ऑफ अ रो ओवर इट, क्या कहता है कि लेकिन नहीं इतनी जल्दी नहीं उठना है, बट एट लास्ट स्लिप द डिफरेंस, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात को पूरी तरीके से, उसने मेरी बात को नहीं माना और उसने एक अंतर लगाया, उसे कहा 6:30, ठीक है हम 6:30 उठेंगे. वेकअप 6:30 जॉर्ज, वो कहते हैं चलो ठीक है. जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज के पास कोई आंसर नहीं था. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग अवर, कि हाँ चल हमें यही मानना पड़ेगा दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर समथिंग, हमें थोड़े से समय के लिए सो जाना चाहिए. सो वी प्लेस द बाथ वेर ही कुडंट टम्बल इन टू इट नॉट गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कभी सुबह उठकर जो है नहाना भी है, रेडी होना है जाने के लिए. एंड वेंट टू बेड ऑरसेल्फ, हमें जो है अब सो जाना चाहिए. सो इस तरीके से उनकी पूरी जो है पैकिंग हुई है, बैठे टू बेड, अब वो बेड पर चले गए हैं सोने के लिए. तो माई डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने पैकिंग कैसी होती है, किस तरीके से क्रम्बलनेस होती है. हम भी जब कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो हमारे साथ भी जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं, हम पैक करना है, ये पैक करना है. सो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी पैकिंग के, ज़रा सोचिएगा उन्हें भी. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी ऑफ जॉर्ज हैरी एंड द राइटर जॉर्मी के जॉर्मी. एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इन्होंने 3 मैन इन अ बोट में अपना ये पूरा जो है स्टोरी दिया है. डियर स्टूडेंट्स, रीड इट दिस स्टोरी अगेन, एंजॉयड इट एंड जस्ट फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर एंड यूज इट वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर किड्स, बाय बाय.